हेलो दोस्तों, आप लोगों को गुलाबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, यह दूसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर होगा बताओ दोस्तों। आपके पास 5 सेकेंड का समय है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सियोकाइट्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। फेफड़ा जो है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी बीमारी स्वतंत्र तंत्र से संबंधित है बताओ दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों है, डायरिया और निमोनिया। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाइपर टेंशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो एमिनो अम्ल है, यूरिक अम्ल है, यूरिया है या फिर अमोनिया है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है अमोनिया। अमोनिया जो है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती, हरित लवक, इष्टो, माटा, जड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पत्ती। पत्ती इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, टहनी, तना। तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र जो होता है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गोलाकार होगा, बेलनाकार होगा, शंकुआकार होगा या फिर अंडाकार होगा बताओ। तो फेफड़ा का आकार जो होता है वो शंकुआकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उपचयन। उपचयन जो होता है भोजन का पाचन प्रकार की अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलिस एवं स्टार्लिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो बताओ किसने दिया था इन चारों ऑप्शन में से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। बताओ दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, मेंडल जो है इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है उसका सर्थ हम किसने प्रयोग किया था? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है,
जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसमें से लैमार्क, डार्विन, अरस्तु, ट्रेविरेनस कौन सा होगा जो कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान जनक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा थ्रियोफेस्टस। थ्रियोफेस्टस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बताओ दोस्तों, जो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीक। ग्रीक शब्द से ही बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है, ग्रीक भाषा से। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का, शैवाल का, विषाणु का या फिर ये सभी का? बताओ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शैवाल। शैवाल का अध्ययन किया जाता है किसमें? फाइकोलॉजी में। आपका अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वर्गीय, आनुवंशिकी, कार्यकी या फिर पारिस्थितिकी? तो इसका आंसर तो आप लोग अधिकतर सब लोग जानते होंगे, बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या फिर वृक्षों के अध्ययन से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी झाड़ियों के अध्ययन से। ठीक है दोस्तों, आपको इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बताओ पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी जो है जो कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।